गुड मॉर्निंग राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इन हरियाणा विद मीनाक्षी में। और अब हो गई अगले दिन की सुबह और हमारा काम भी हो गया शुरू, तो अब झाड़ू निकाल दी, अब धोऊंगी चौक। तो हम जा रहे हैं अब पीटीएम में, पीयूष उर्वाणी के स्कूल में पीटीएम है आज इसलिए, और पहली बार जा रहे हैं बस में यहाँ से, कभी बस में नहीं गए। एक बार गई थी मैं जी सोनू के साथ, लेकिन वो फर्रुखनगर से गई थी, यहाँ से तो गांव से तो पहली बार ही जा रहे हैं हम बस में। और बच्चे तो आज पहली बार ही बैठे हैं बस में, तो खुश भी है बस में जाकर। तो पहुंच गए हैं हम बस अड्डे पर, स्कूल के सामने ही बस अड्डा है, तो वहीं पर उतारे थे। तुम्हारा स्कूल है तुम्हें पता होगा ना? हैं? जिसके मम्मा सब में आउट आए है ना, उनको मेडल मिलेंगे और सर्टिफिकेट मिल तो लिए मिलेंगे मिल लिए पैसे मिलेंगे पैसे जो लेट आया है उनको पैसे नहीं कल मिल लिए परसों जब हमें हाँ सर हमें जाने जाना कहाँ है वाणी पता तो है नहीं मेरे को पता है पहले भाई के चले कल तेरे में ही चला गया था आज से गेम हो रहा गेम हो गया किस लिए कहाँ है कहाँ जाना है जल्दी चल तो आगे चल देखो यो है ये हॉस्टल पता नहीं क्या बोल रही गोल। तो हो गया है नेक्स्ट डे और मैं बना रही हूँ पालक पनीर,
क्योंकि बच्चे लंच में भी लेकर जाएंगे और पीयूष वाणी को बहुत ही पसंद है। लेकिन मैं पहली बार ही बना रही हूँ। बना तो वैसे अच्छा ही था, पनीर मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था और टमाटर प्याज भी पहले ही छोक लिए थे ताकि सुबह सुबह स्कूल के टाइम पे लेट ना हो जाओ बनाने के लिए, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बस ग्रेवी को पीस लूँगी और फटाफट कर दूँगी। तब तक ग्रेवी होगी जब तक पालक भी हो जाएंगे थोड़े कच्चे पक्के, ज़्यादा नहीं उबालना है पालक को। तो पहली बार बना रही हूँ वैसे तो, लेकिन बनी तो अच्छी थी। सब्जी मैंने बना ली है और मैं कर रही हूँ सफाई। लगाऊंगी आटा, पहले घी निकालूंगी फिर आटा लगाऊंगी। अब ये मत बोलना कि पनीर की सब्जी हमें नहीं खिलाई देखकर, क्योंकि ये 2 दिन पहले की क्लिप थी इसलिए किसी को पनीर की सब्जी नहीं खिलाई। हाँ बता, हेलो करो। बोल कर मम्मी नु कह दे ना कि हमारी वीडियो क्यों बनाई, नु ही कह दे सब मैं बना लूं। फिर उनका हमारी वीडियो क्यों बनाई। तो मौसम का है बहुत बुरा हाल, ठंडा मौसम भी है और आंधी भी चल रही है। और एक अच्छी भी बात है कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, 1 महीना अब झेलने पड़ेंगे हमें घर पे। जब स्कूल जाते थे जब तो इनको काम करना नहीं था, और अब छुट्टी पड़ी तो इनको काम करना है ना, है? तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कब बनाऊंगी कब आता है। ये भी 3-4 दिन का आया है।